एनसीसी एबीएन सी सर्टिफाइड एग्जाम, टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। कौन बनेगा आज का विनर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 है। विनर वही होगा जिनका 55 में 55 सही होगा। और एक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 15 सेकंड का समय मिलता है। तो आप डेली टेस्ट देंगे टाइम से, और पूरा टेस्ट देकर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। जो लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये भी चैनल तेजस का ही है। आप लोग इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइव बातचीत, लाइव मस्ती जो भी होगा इसी पे हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? ऑप्शन है 206 हड्डियों से, बी 306 हड्डियों से, सी 208 हड्डियों से, या फिर 308 हड्डियों से। टाइम शुरू हो चुका है। मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी, एक क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड, जो कि पास टाइम इधर चल रहा है, टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा, मानव शरीर 206 हड्डियों से बना है। ऑप्शन ए वाले सही है। सेकंड क्वेश्चन, हृदय किस छाती पर स्थित है? ऑप्शन है दाहिने, बी बाएं, सी ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। हृदय यानी हमारा हार्ट हमारे चेस्ट पर किस साइड में होता है, लेफ्ट या राइट? चलिए जल्दी, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। गुड जोश, टाइम अप। हृदय बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड होता है। ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव खोपड़ी क्या बचाता है? ऑप्शन है आंख, बी कान, सी मस्तिष्क, या फिर जीभ। टाइम शुरू हो चुका। चले जल्दी, और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए गुड जोश, और 2 सेकेंड, टाइम अप। तो मानव खोपड़ी मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग को बचाता है। ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है। ऑप्शन है मस्तिष्क और कठोर, बी कोमल और सुषुम्ना, सी मस्तिष्क और किडनी, या फिर डी मस्तिष्क और सुषुम्ना। टाइम शुरू हो चुका। तंत्रिका तंत्र कैसा अंग है? ये क्वेश्चन थोड़ा अल्टर टाइप का है, तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से याद कर लेंगे, फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चले जल्दी, टाइम अप। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और सुषुम्ना अंग, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रेबीज किसके काटने के कारण होता है? ऑप्शन है कुत्ते के, बी बिल्ली के, सी चूहे के, या फिर डी बंदर के। टाइम शुरू हो चुका। रेबीज बीमारी किसके काटने के कारण होता है? चले जल्दी, कुत्ते के, बिल्ली के, चूहे के, या फिर बंदर के। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, DTL का अर्थ क्या होता है यानी फुल फॉर्म? ऑप्शन ए डीप ट्रीटमेंट लैटरिन, बी डिलीट ट्रेंच लैटरिन, सी डीप ट्रेंच लैटरिन, या फिर डी डीप ट्रेंच लेटर। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ DTL, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फुल फॉर्म में थोड़ा मिस्टेक और आपका आंसर गलत। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है एग्रेड के लिए। चलो टाइम अप। डीटीएल का अर्थ डीप ट्रेंच लैटरिन होता है। ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्वास्थ्य और सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन कितना प्रति मिनट होता है? ऑप्शन है 62 बार, बी 68 बार, सी 70 बार, या फिर 72 बार। टाइम शुरू हो चुका। मतलब एक हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? ऑप्शन दिया गया है 62 बार, 68 बार, 70 बार, या फिर 72 बार। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी 72 बार। क्वेश्चन नंबर 8, एड्स के लिए कौन सा रक्त जांच होता है यानी ब्लड टेस्ट? ऑप्शन है HIV, बी ब्लड, सी ब्रेन,
याफडी यूरिन, टाइम शुरू हो चुका। एड्स के लिए कौन सा रक्त जांच किया जाता है? और अब तक का बेस पीडीएफ अवेलेबल करा दिया हूं वेबसाइट पर, और ऐप भी अब आ गया है, एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा। चलो टाइम ऑफ। तो एड्स के लिए रक्त जांच एचआईवी टेस्ट होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी या फिर विटामिन ए। टाइम शुरू हो चुका है। तो जिनको बुक्स की नीड होगी, आप लोग बुक्स गलती से भी नहीं लेंगे, उसमें डाटा नहीं होता, बहुत कम होता, उसके लिए बेस्ट पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप पीडीएफ ले लेंगे, और ऐप भी अवेलेबल हो गया, आप एक दो दिन में आ जाएगा। टाइम अप। तो बेरी बेरी की बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 10, डायबिटीज किसके खराब होने से होता है? ऑप्शन ए पेट, बी पैनक्रियाज, सी दिमाग या फिर खून। टाइम शुरू हो चुका है। यानी डायबिटीज की बीमारी हमारे बॉडी के किस पार्ट के खराब होने से होता है? सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, और आप काउंट करते रहेंगे कितना सही करते हैं। चलिए जल्दी, हरी अप, टाइम अप। तो डायबिटीज पैनक्रियाज के खराब होने से होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 11, आरएमओ क्या होता है? ऑप्शन ए रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिस, बी रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर, सी रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर या फिर डी रेजिमेंटल मेडिसिन ऑफिसर। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब आरएमओ का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फंसेंगे। बाकी आप अपने दोस्तों को भी बता देंगे जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे, कि जल्दी से क्लास शुरू कर दे लेना फास्ट। टाइम अप। तो आरएमओ का फुल फॉर्म रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एनीमिया का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? ऑप्शन ए पेनक्रियाज, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर हीमोग्लोबिन। टाइम शुरू हो चुका है। यानी एनीमिया नामक बीमारी किस चीज की कमी से होता है? चलिए जल्दी, और तेजस एनसी सर्विंग वाले चैनल पर रेगुलर शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, कंटिन्यू आप करेंगे। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, तो डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए मादा, बी मादा एनाफिलीज, सी एनाफिलीज या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? चले जल्दी, और अभी हम लोग लाइव बातचीत इसी चैनल पे करेंगे, और उस पर भी हम लोग कभी कभी करते हैं, लेकिन रेगुलर इसी पे होगा, आर्मी नंबर तेजस वाले पे। टाइम अप। तो मलेरिया मादा एनाफिली मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हैजा का लक्षण खालिस्तान है? ऑप्शन ए दर्द, बी नींद, सी बुखार या फिर कैदस्त। टाइम शुरू हो चुका। मतलब कैसे पता चलता है कि आप किसी व्यक्ति को हैजा है, उसका लक्षण क्या है? ऑप्शन दर्द, नींद, बुखार या फिर कै और दस्त। टाइम अप। तो हैजा का लक्षण कै और दस्त होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 के लक्षण क्या है? ऑप्शन ए बुखार, बी कफ और कोल्ड, सी सांस लेने में समस्या या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर हो, ऑब्जेक्टिव प्रूफ पेपर, सारे में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कोरोना से रिलेटेड। गुड जॉश, काफी लोग इसमें फंस रहे हैं। टाइम अप। तो कोविड-19 के लक्षण ये तीनों है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स, बी रेड ब्लडिंग सेल्स, सी रेड ब्लड सेल्स या फिर डी रेड ब्लड सेल। टाइम शुरू हो चुका है। यहां पर रीड है, ध्यान देंगे, फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। सभी का परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में। गुड जॉश, टाइम अप। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है, ऑप्शन सी वाले सही है।
क्वेश्चन नंबर 17, कीटाणुओं को नष्ट करने का प्राकृतिक साधन क्या है? ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी वर्षा का पानी, सी सूखा पड़ना या फिर ठंड। टाइम शुरू हो चुका है। कीटाणुओं को नष्ट करने का प्राकृतिक साधन कौन सा है? चलिए जल्दी से, मुझे जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं, चाहे आर्मी लेवल तेजस पर या फिर तेजस एनसीसी आर्मी पर, सभी का एग्रेड चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ये वाले सही है। 18 नंबर, प्लेग किस जानवर पर पाए जाने वाली पिशु से फैलता है? ऑप्शन है कुत्तों पर, बी मुर्गियों पर, सी चूहों पर या फिर डी बंदरों पर। टाइम शुरू हो चुका। प्लेग किस जानवर पर पाए जाने वाली पिशु से फैलता है? चलिए जल्दी से, सभी का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। गुड जॉस, इट्स वेरी इजी, टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा प्लेग बीमारी, चूहों पर पाए जाने वाले पिशु से फैलता है। ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कैंप में शौचालय के लिए कम गहरी खाई की गहराई कितने फीट और लंबाई कितने फीट होती है? ऑप्शन ए 2 फीट और 6 फीट, बी 2 फीट और 4 फीट, सी 4 फीट और 6 फीट या फिर डी 2 फीट और 8 फीट। टाइम शुरू हो चुका है। कैंप में जो डीप ट्रेंच लैटरिन बनता है तो उसकी गहराई कितने फीट होती है और लंबाई कितने फीट? क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना डिफिकल्ट है, तो एग्जाम में फाइनल पूछा है तो आपको अब याद करना पड़ेगा। टाइम ऑफ। तो कैंप में लैटरिन की गहराई 2 फीट और ऊंचाई 6 फीट होती है, ये वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 5 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 3 प्रकार की या फिर डी 4 प्रकार की। टाइम शुरू हो चुका है। रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती है? चलिए जल्दी, सभी का अल्फा चाहिए जो लोग मेरे पास पढ़ते हो, और आप दोनों चैनल पे कंटिन्यू क्लास करेंगे, इस पे तो केवल ऑब्जेक्टिव होता है और तेजस इंसान में पे रेगुलर होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की। नेक्स्ट 21, एचबीपी का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, बी हाई ब्लडिंग प्रेशर, सी हाई ब्लड प्रेस या फिर डी हाई ब्लड प्रेशर। टाइम शुरू हो चुका। ठीक है, जो अपना दो चैनल है ना, एक है तेजस एनसीसी आर्मी और दूसरा ये वाला एक आर्मी लवर तेजस, तो दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। टाइम ऑफ। एचबीपी का फुल फॉर्म हाई ब्लड प्रेशर होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन प्लेग, बी रेबीज, सी स्वाइन फ्लू या फिर डी कैंसर। टाइम शुरू हो चुका है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? चलिए सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। इट्स वेरी इजी, गुड जॉस, टाइम अप। सिंपल है, कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 23, छोटी आंत की लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 से 7 मीटर और 30 मिलीमीटर, बी 6 मीटर और 35 मिलीमीटर, सी 6 से 7 मीटर और 40 मिलीमीटर या फिर डी 6 से 7 मीटर और 35 मिलीमीटर। टाइम शुरू हो चुका। देख रहे हो क्वेश्चन कहां से पूछा है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है फाइनल पेपर में, तो नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो अभी फंस जाइएगा। तो अब टेस्ट पूरा देंगे और लाइव क्लास भी कंटिन्यू, होमवर्क याद करके आइएगा जल्दी। टाइम अप। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर और चौड़ाई 35 मिलीमीटर होती है, ऑप्शन डी वाली सही है। 24, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी बेरी, बी रिकेट्स, सी रेबीज या फिर डी स्कर्वी। टाइम शुरू हो चुका है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? चले जल्दी, गुड जॉस, इट्स बेबी टाइप क्वेश्चन, बच्चा वाला है। टाइम अप। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा रक्त समूह एक यूनिवर्सल डोनर है, मतलब किसी को भी दे सकता है? ऑप्शन ए ओ ब्लड ग्रुप, बी ए ब्लड ग्रुप,
सी बी ब्लड ग्रुप या फिर डी सी ब्लड ग्रुप। टाइम शुरू हो चुका है। Which blood group is an universal donor? मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये डोनेट कर सकता है। चले जल्दी, टाइम अप। तो आंसर होगा ओ ब्लड ग्रुप एक यूनिवर्सल डोनर है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 26, WHO का पूरा नाम लिखे। ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ WHO, ध्यान देंगे स्पेलिंग, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक और आपका आंसर गलत। चलिए जल्दी, WHO का पूरा नाम क्या होता है? टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 27, कंजक्टिविटीज किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन है दिमाग का, बी पेट का, सी मुंह का या फिर डी आंख का। टाइम शुरू हो चुका। कंजक्टिविटीज किस प्रकार का रोग है? चले जल्दी से सभी लोग, गुड जोश, टाइम अप। तो कंजक्टिविटीज ये आंख का रोग है जो कि इंफेक्शन डिजीज है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा एक जल जनित रोग है? ऑप्शन ए रेबीज, बी स्कर्वी, सी पीलिया या फिर रतौंधी। टाइम शुरू हो चुका है। फास्ट, गुड जोश, टाइम अप। तो इनमें से जल जनित यानी वाटर डिजीज रोग पीलिया है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दिल किसके माध्यम से रक्त प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए यकृत, बी हृदय, सी अमाशय या फिर डी धमनी। टाइम शुरू हो चुका है। हमारा जो हार्ट है उसके पास रक्त यानी ब्लड किसके थ्रू पहुंचता है? यकृत, हृदय के थ्रू, अमाशय के थ्रू या फिर धमनी के थ्रू। और 2 सेकेंड, टाइम अप। तो दिल धमनी के थ्रू रक्त प्राप्त करते हैं, ऑप्शन डी वाले सही है। 30 नंबर, एक दिन में नींद की औसत आवश्यकता कितने से कितने घंटे है? ऑप्शन ए 6 से 7 घंटे, बी 6 से 8 घंटे, सी 7 से 8 घंटे या फिर 8 से 10 घंटे। टाइम शुरू हो चुका। मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम एक दिन में कितने घंटे सोना चाहिए? चले जल्दी, फास्ट, अभी 3 सेकंड का टाइम है, आराम से बताएं। टाइम अप। तो एक दिन में नींद की औसत आवश्यकता 6 से 8 घंटे होती है, ऑप्शन बी वाले सही है। 31, कैंप के दौरान कौन सा लैटरिन इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिंपल पिट लैटरिन, बी पोर फ्लश लैटरिन, सी ग्रीनिंग लैटरिन या फिर डी डीप ट्रेंच लैटरिन। टाइम शुरू हो चुका है। जो भी हमारा कैंप लगता है तो हम लोग किस लैटरिन का इस्तेमाल करते हैं? सभी के आंसर परफेक्ट होने चाहिए। चले जल्दी, गुड जोश, टाइम अप। कैंप के दौरान डीप ट्रेंच लैटरिन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी वाले सी, जिसको शॉर्ट में DTL बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 32, कौन सा शरीर के मल त्यागने का अंग है? ऑप्शन ए यकृत, बी त्वचा, सी फुफ्फुस या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। कौन सा शरीर के मल त्यागने का अंग है? चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे, इट्स वेरी इजी अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो फिर तो मुश्किल। टाइम अप। ये तीनों ही मल त्यागने का अंग है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 33, रक्त वर्गों का नाम लिखे। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए बी एंड ओ या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। यानी कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है ये बताना, सबका परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है,
चलिए जल्दी, गुड जॉब्स, टाइम आप। तो ब्लड ग्रुप इनमें से सभी है, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 34 नंबर, मच्छरों के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलते हैं? ऑप्शन ए रेबीज और डेंगू, बी डेंगू और मलेरिया, सी हैजा और रेबीज, या फिर डी मलेरिया और पीलिया। टाइम शुरू हो चुका। यानी मॉस्क्यूटो बाइट करने से कौन कौन से डिजीज होता है, किसी भी दो डिजीज का नाम। ऑप्शन दिया गया है रेबीज डेंगू, डेंगू मलेरिया, हैजा रेबीज, या फिर मलेरिया और पीलिया। चलिए टाइम अप। तो मच्छर से डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रदूषित जल से कौन और कौन बीमारी फैलती है, किसी भी दो बीमारी का नाम। ऑप्शन ए पेट रोग, बी पीलिया, सी हैजा, या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका, चलिए जल्दी। मतलब पॉल्यूटेड वाटर से कौन कौन सा डिजीज होता है, आराम से बताएं, लेकिन आंसर परफेक्ट होना चाहिए, फास्ट। टाइम अप। तो ये तीनों ही पोल्यूटेड वाटर से होने वाली बीमारियां हैं, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 36, सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑप्शन ए कोवैक्सीन, बी एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन, सी कोविशील्ड, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब स्नेक बाइट करने पर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, आराम से बताएं सभी लोग। 15 सेकंड आपका टाइम इधर चल रहा, तो आंसर लिमिट टाइम है, ठीक है, और काउंट करते रहना कितना सही करते हो। चलिए टाइम अप। सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। 37, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80 mmHg, बी 80/120 mmHg, सी 120/120 mmHg, या फिर डी 80/80 mmHg। टाइम शुरू हो चुका। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, टोटल कितने क्वेश्चन इसमें 55 है ना, तो टेस्ट पूरा लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना सही करते हैं। चलो टाइम ऑफ। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, जिसमें mmHg का फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, तो ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी रेबीज, सी बेरीबेरी, या फिर डी हैजा। टाइम शुरू हो चुका है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सभी का परफेक्ट, जल्दी से, लिमिट टाइम है। गुड जोश, अल्फा सभी का आएगा, बसरते आप होमवर्क करके आएंगे, ठीक है, रेगुलर क्लास करेंगे। टाइम ऑफ। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन के किस में मदद करता है? ऑप्शन है रक्त संचार में, बी बंधन में, सी मलमूत्र त्यागने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। विटामिन के किस काम में हेल्प करता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। गुड जोश, और 2 सेकेंड। चलिए टाइम ऑफ। तो विटामिन के बंधन यानी बाइंडिंग में हेल्प करता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में कितनी पेशियां होती है? ऑप्शन ए 400 से 500 पेशियां, बी 500 से 700 पेशियां, सी 600 से 700, या फिर डी 500 से 600 पेशियां। टाइम शुरू हो चुका है। शरीर में कितनी पेशियां होती है, आराम से सभी लोग बताएं। जो लोग याद नहीं किए होंगे फिर आप तुक्का लगाएंगे, तो याद कर लीजिएगा अगर गलत होता है तो। टाइम अप। शरीर में 500 से 600 पेशियां होती है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन देख रहे हैं कितना खतरनाक। उंगली की पट्टी कितने इंच की होती है? ऑप्शन ए 3/4 इंच × 1/2 इंच, ऑप्शन बी 3/4 इंच × 4.5 इंच, सी 3/4 इंच × 4.5 इंच, या फिर डी 3/4 इंच × 2.5 इंच। टाइम शुरू हो चुका। मतलब जो हम लोग उंगली
फिंगर में जो बैंडेज करते हैं उसकी साइज कितनी होती है? जो लोग नहीं पढ़े ध्यान दीजिएगा, और जो पढ़े हो ध्यान से करेक्ट बताओ। चलिए जल्दी, टाइम अप। उंगली की पट्टी की साइज 3/4 इंच × 4.5 इंच होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। 42, दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारियां होती है? ऑप्शन है स्कर्वी, बी पीलिया, सी रेबीज या फिर डी बेरी बेरी। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए जल्दी से सभी लोग। मतलब पॉल्यूटेड वाटर पीने से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन आपके सामने है, स्कर्वी, पीलिया, रेबीज या बेरी बेरी। चलो टाइम अप। तो दूषित पानी पीने से पीलिया नामक बीमारी होती है, ऑप्शन बी वाले सही है। 43, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 98.4 फारेनहाइट, बी 98.6 फारेनहाइट, सी 98.8 फारेनहाइट या फिर डी 98.3 फारेनहाइट। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन 98.4, 98.6, 98.8 फारेनहाइट या फिर 98.3 फारेनहाइट। चलो टाइम अप। तो मनुष्य के शरीर का समान तापमान 98.6 फारेनहाइट होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। 44 नंबर, खालिस्तान और खालिस्तान आसन को यानी योगा को भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। ऑप्शन है भ्रामरी प्राणायाम और वज्रासन, बी चक्रासन और भुजंगासन, सी त्रिकोणासन और श्वासन या फिर डी सूर्य नमस्कार और हलासन। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब जस्ट खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग इन दोनों आसन को कर सकते हैं, कौन सा होगा? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, फास्ट। इट्स वेरी इजी, टाइम अप हो चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रामरी प्राणायाम और वज्रासन। नेक्स्ट, 45, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जुलाई को, बी 16 दिसंबर को, सी 21 जून को या फिर 5 सितंबर को। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब इंटरनेशनल योगा डे प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाते हैं? जल्दी और 2 सेकेंड, चलो टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जून को। नेक्स्ट, 46, भारत निर्मित 2 एंटी कोविड वैक्सीन है कौन कौन? ऑप्शन एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन और कोवैक्सीन, बी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, सी कोविशील्ड और एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब 2 एंटी कोविड वैक्सीन जो भारत ने बनाया कौन कौन सा है? चलिए ध्यान से सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि सबने कोरोना का डोज लिया होगा। जल्दी, टाइम अप। तो 2 एंटी कोविड वैक्सीन इंडिया का कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ऑप्शन बी वाले सही है। 47, दूध को निश्चित तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया जिससे दूध को जीवाणु रहित किया जाता है कितना डिग्री? ऑप्शन है 62 डिग्री सेल्सियस पर, बी 65 डिग्री सेल्सियस पर, सी 72 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 92 डिग्री सेल्सियस पर। टाइम शुरू हो चुका है, आराम से बताएं। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी इतना आसान नहीं रहा एनसीसी पास करना, ऐसे थोड़ी आपको पूरा रिटर्न छूट मिलता है आर्मी में। चलो टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा, दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जीवाणु रहित के लिए, ऑप्शन ए वाले सही है। 48, एनीमिया शरीर में किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है पानी, बी भोजन, सी खून या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। एनीमिया नामक बीमारी शरीर में किस चीज की कमी के कारण होता है? ऑप्शन पानी, भोजन, खून या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी, चलो टाइम अप। तो एनीमिया शरीर में खून की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी वाले सही है।
49 बेरी बेरी बीमारी, विटामिन किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी की, बी विटामिन डी की, सी विटामिन ए की, या फिर विटामिन बी की। टाइम शुरू हो चुका। बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? चले जल्दी, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ये बहुत पूछता है। चलो टाइम अप। तो बेरी बेरी बीमारी विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 50, हैजा खालिस्तान एवं खालिस्तान द्वारा फैलता है। ऑप्शन है दूषित पानी और दूषित हवा से, बी दूषित हवा और दूषित भोजन से, सी दूषित पानी और दूषित भोजन से, या फिर डी दूषित पानी और दूषित खून से। टाइम शुरू हो चुका है। हैजा किस किस के द्वारा फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है। जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। चलो टाइम अप। तो हैजा बीमारी दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन एस करवी, बी रतौंधी, सी रेबीज, या फिर डी बेरी बेरी। टाइम शुरू हो चुका है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जल्दी से, ऑप्शन अस्कर्वी, रतौंधी, रेबीज, या फिर बेरी बेरी। टाइम अप। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, ऑप्शन बी वाले सही है। 52, वायरल फीवर किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन है ना फैलने वाली, बी फैलने वाली, सी ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। वायरल फीवर किस प्रकार की बीमारी है? चले जल्दी, इट्स वेरी इजी, अगर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है। टाइम अप। तो वायरल फीवर फैलने वाली यानी संक्रमण बीमारी है, ऑप्शन बी वाले सही है। 53, जल का भी संक्रमण किस पाउडर को मिलाने से होता है? ऑप्शन बेकिंग पाउडर, बी सूखा पाउडर, सी डीसीपी पाउडर, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब पानी को जीवाणु रहित किस पाउडर को मिलाने से किया जा सकता है? ऑप्शन बेकिंग पाउडर, बी सूखा पाउडर, सी डीसीपी पाउडर, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। चलो टाइम अप। तो जल का भी संक्रमण ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। 54, कोविड 19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, बी दिमाग, सी हृदय, या फिर यकृत। टाइम शुरू हो चुका। कोविड 19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। गुड जोश, फास्ट, और एक सेकेंड। चलो टाइम अप। तो कोविड 19 यानी कोरोना हमारे फेफड़ा यानी लंग्स को इफेक्ट करता है, ऑप्शन ए वाले सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एचबी का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, बी हेल्थ ब्लडिंग, सी हेमोरॉइड्स, या फिर हेड ब्रेन। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ एचबी। चलिए जल्दी से, सभी का आंसर परफेक्ट होने चाहिए और कमेंट करके बताएंगे किसका कितना सही है, विनर कौन है। चलो टाइम अप। एचबी का फुल फॉर्म हेमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। तो आज का विनर कौन कौन है कमेंट करके बताइएगा। विनर वही होगा जिनका 55 में 55 सही होगा, ठीक है। तो जिनका जो लोग विनर है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी लोग अच्छे से पढ़े और आप लोग भी इनको विश कर देंगे और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे डेली, आपको बोलना ना पड़े। मिलते हैं बाकी तेजस चैनल पर, रेगुलर लाइव क्लास होती है तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, दोनों अपना ही तेजस फैमिली का चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल क्विज टेस्ट में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।